Hi guys, these videos are applicable only for November 2017 exams. So अगर आप इनको देख रहे हैं November 2017 को छोड़ के किसी और exam के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है. For example, अगर आपके exam May 2018 में या November 2018 में है या उसके बाद कभी आप इन videos को देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं. मैं अपनी हर वीडियो को, हर नोट को, हर चीज़ को हमेशा कॉन्टीन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, फ्रेश रिकॉर्डिंग्स करता रहता हूँ. जैसे कि आप इन्हीं वीडियोस में देखेंगे, कई बार मैंने बोला है कि सर ये मेरी पुरानी बुक में नहीं था बट अब है. सो अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम्स कब हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको उन्हीं एग्जाम के रिलेवेंट वीडियोज़ देखनी चाहिए, ना कि ये वाली. बुक्स और वीडियोज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो भी कम्प्लीट नहीं होगा, सिर्फ वीडियो से पढ़ रहे हैं तो भी कम्प्लीट नहीं होगा. सो If November 2017, it's okay. If not November 2017, sir, आप इन वीडियो से, इस बुक से प्लीज मत पढ़िएगा. All the best. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी हमारे ऑडिट के पैकेजेस लिए हैं या जिन्होंने नहीं भी लिए हैं, मैंने सबको बोला था कि मैं कुछ ऑडिट की वीडियोस बना के आप लोग के लिए जरूर अपलोड करूंगा. अब मैं बना रहा हूँ एक सुपर मिसलेनियस चैप्टर को, और उस चैप्टर में सर आप लोग पढ़ेंगे AASB, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SRS, SAE और इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स. एग्जाम में सर क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की? सर ये 5 नंबर का आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आ सकता है, मैंडेटरी फॉर्म में आएगा. नेचर कैसा है? बहुत आसान है सर, इसको याद करना, रटना है. मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना के समझाया हुआ है. जिनके पास मेरी बुक्स हैं, जिन्होंने पैकेज लिया है, उनके पास बुक्स में सारे नोट्स होंगे. बाकी जिनके पास बुक्स नहीं है वो सिंपली सर इस वीडियो से इसको पढ़ सकते हैं. पैकेज कैसे आपने बाय करना है इसकी मैं आपको तरीका बता देता हूँ. सिंपली neerajrao.com पे जाएं, आपको मिलेगा सर वहाँ पे ऑडिट के पैकेज का लिंक, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी पैकेज का लिंक आपको दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं. उस पर क्लिक करके आप सीधा पैकेज बाय कर सकते हैं. राइट गाइज, पैकेज मैंने बहुत मेहनत करी है, जिसमें आपको मिलेंगे सर लगभग 19 से 21 ऐसे इसके बीच में आपको मिलेगी कंपनी ऑडिट की वीडियोस, अकाउंट्स ऑफ कंपनी की वीडियो, कारों की वीडियो और सब बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारा फन जिसके लिए हम जाने जाते हैं. इट विल बी एड्यूटेनमेंट. ओके, चलिए गाइस, तो ये वीडियोस आप लोग देखिए. लगभग मैंने 5-6 वीडियोस बनाई है, पांचों छठों जितनी भी वीडियोस बनाई है सारी देखिएगा, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा. वीडियो का फीडबैक मुझे जरूर नीचे दीजिएगा. वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इसको लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी. राइट गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ. जैसे कि मैंने पहले बताया सर, ये जो चैप्टर्स है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें सर करने तो हैं. इनमें से कभी कभी जब बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत खराब होती है तो आपके एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन वो आ जाता है 5 नंबर का, आपका कंपलसरी क्वेश्चन. जी हाँ, आपने सही सुना, 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन. तो मैं चाहूंगा कि आपसे ये चीजें ना छूटें और आप इनको अच्छे से अपने एग्जाम में करके आए. राइट, आई होप आप भी यही चाहेंगे. तो क्वेश्चन क्या है गाइस, चलिए देखना शुरू करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, स्टैंडर्ड्स कलेक्टिवली नोन एज द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इशूड बाय AASB अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ ICAR डिस्कस. लो भाई, इन्होंने तो आओ दाओ कुछ नहीं बताया भाई क्वेश्चन का, बस बोला जी स्टैंडर्ड्स कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इशूड बाय AASB अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ ICAR. अगर आपने इससे पिछले वाली मेरी वीडियो देखी है तो मैंने उसके अंदर आपको समझाया था कि भाइयों स्टैंडर्ड्स कैसे इशू होते हैं. आई होप आपको याद है, सबसे पहले हमारे पास सर AASB होता है, वो एरिया ढूंढता है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया जाए, फिर स्टडी ग्रुप होते हैं, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट बनता है, फिर वो ओपन होता है वेबसाइट पे मेंबर्स के कमेंट के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से सर उसको AASB एक्सपोजर ड्राफ्ट को फाइनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कराता है, फिर काउंसिल एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, बिल्कुल उसके बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड्स कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. अब ये वर्ड आपके लिए नया है, आप ये सोच रहे हैं कि ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्या होता है. ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़े, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसेज. एंगेजमेंट स्टैंडर्ड एक बड़ा टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है. और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है भाइयों कि आप के ऑडिटर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑडिट असाइनमेंट ही पकड़े. हो सकता है कि सर आप कोई और असाइनमेंट भी लें, आप सर लिमिटेड रिव्यू कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. सो अगेन वही बात कि सर ऑडिट को छोड़ के, ऑडिट तो है ही है, ऑडिट को छोड़ के आप जो बाकी असाइनमेंट्स लेंगे उनके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे. याद रखिए पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड्स आते क्यों हैं, उनके अंदर भी सर यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, वहाँ भी कोई दिक्कत ना हो. इसलिए सर फिर से
हम अब बोलेंगे कि ICAI बनाता है स्टैंडर्ड्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट, और सिंपली स्पीकिंग एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स इसका एक पार्ट है ऐसे। इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करने चाहिए अपनी सर्विसेज देते समय। ओके, आई होप समझ आया। नटशेल में भाइयों देखो बात ऐसी है, ICAI चाहता है कि CAs जो भी काम करें उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है जी। CA मेनली क्या काम करता है, मेनली मैं तो कहता हूँ CA प्रोफेशन का जन्म ही क्यों हुआ था सर, ऑडिटिंग करने के लिए, राइट। तो ऑडिटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो तो हमने पढ़ ही लिए, उनका नाम क्या है, SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। अब सर जो बाकी चीजों के लिए स्टैंडर्ड्स हैं, इवन मैं बोलूंगा SA प्लस अदर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स को मिला के हम बोल सकते हैं दीज आर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ओके, आई होप समझ आ गया। चलिए अब रीडिंग टाइम है, एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं कि सर क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय AASB, आई होप अब आपकी जान पहचान है इनसे, AASB अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल। याद करिए AASB जब सर फाइनल ड्राफ्ट देखता है उसके बाद भी सर अथॉरिटी ऑफ काउंसिल यानी कि सेंट्रल काउंसिल ही फाइनलाइज करती है। ओके, अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल आर कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, दैट्स इट। तो सर इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और उसमें सबसे पहला पढ़िए क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दैट इज SAs टू बी अप्लाइड इन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर मैं IPCC की बात करता हूँ तो IPCC में सिर्फ ये ही आपके कोर्स का पार्ट है और कोई आपके कोर्स का पार्ट जो है वो नहीं है, और किसी भी तरह के स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। और इसमें भी सर कुछ SAs हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मजाक की बात बता दूँ सर, SAs को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर IPCC में कवर्ड है, IPCC में जो कुछ ऐसे हैं जो एक्सप्लिसिटली IPCC में कवर्ड नहीं है, फिर जो IPCC में कवर्ड है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट SAs हैं सर, कुछ लल्लू SA हैं सर, और लल्लू में भी आप दो कैटेगरी बना सकते हैं कि भैया कर लो और छोड़ दो। समय रहा तो सर मैं आपको इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर दूंगा, कर लो और छोड़ दो, ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो पहला हो गया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, फिर हो गया स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अब यहाँ पे आपने ऑडिट एंगेजमेंट नहीं लिया, आपने यहाँ पे ऑडिट असाइनमेंट नहीं लिया, आपने यहाँ पे लिया है रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, तो रिव्यू एंगेजमेंट के लिए ICAI ने सर SRE बनाए हैं। ओके, टू बी अप्लाइड इन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मत जाइए डिटेल में, आपके काम के नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको एक्जैक्टली ऐसे लिख के आना है कि सर इन चीजों को कलेक्टिवली मिला के हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, जिसमें सबसे पहले है SA, फिर है SRE, और फिर आते हैं सर हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, अब एश्योरेंस क्या है, टू बी अप्लाइड इन द एश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का आप एश्योरेंस लेते हैं वो तो ऑडिटिंग ही हो गया, उसके लिए तो SAs हैं। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के सर जब आप एश्योरेंस के लिए एंगेजमेंट लेते हैं तो हम लोग यूज करते हैं SAE। और फिर है सर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस टू बी अप्लाइड टू एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ Agreed upon procedure to information compilation, इसको वर्ड को पकड़ लीजिए, compilation engagement। तो आपको जब compilation engagement, फिर बोलता हूँ मत जाओ इनकी डिटेल में, बस है कुछ तरह की सर्विस है, आपको क्या करना है, आपको भैया बस याद करना है compilation engagement and other related service engagement, another related service engagement or as specified by ICAI, लीजिए related service and standard on quality control, this is again very important। अगर आप CA final में हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। SQC issued by AASB under the authority of the council are to be applied for all services, covered by engagement standard as described above। तो SQC जो है वो सारी सर्विस पे लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल हर सर्विस में रहना चाहिए, इसलिए SQC अलग से बना रखे हैं। सो SQC में भी सर अभी आपको IPC लेवल पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कलेक्टिवली दीज आर नोन एज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, कलेक्टिवली दीज आर इशूड बाय AASB अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल, काउंसिल बोले तो सेंट्रल काउंसिल। ओके, तो एक छोटा सा डायग्राम भी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज बताता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, कोड ऑफ एथिक्स एंड अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ ICAI, देन वी हैव SQCs, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सर ये सारी चीजें। अब देख लीजिए एश्योरेंस सर्विस में और रिलेटेड सर्विस में, रिलेटेड सर्विस में हमारा लगता है SRS, एश्योरेंस में से हमारे पास एक है ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें लग जाएगा हमारे पास SA और SRE। देन गाइस एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें लग जाएगा SAE एंड फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसके अंदर आपको कुछ ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। SQC सबके ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे, राइट, SQC सारी सर्विसेज पे एप्लीकेबल होते हैं। दैट्स इट गाइस, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कवर करा रहा हूं, देखिए 8-10 मिनट की वीडियो बना के, कि आप बिल्कुल जीरो होके ना जाएं, कुछ तो जरूर देख के जाएं भाइयों,
क्योंकि सर इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा सीधा 5 नंबर का आएगा, बच्चे छोड़ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसे ऐसी टॉपिक्स जो से बच्चे छोड़ जाते हैं क्यों ना वो मैं आपको कवर करा दूं अच्छे से और आप लोगों का भला हो जाए थोड़ा सा, है ना। चलिए ऑल द बेस्ट गाइज, वीडियो को 2-3 बार देखिए, फ्री है, स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू, बाय, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। फुल पैकेज के लिए सर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं neerajjot.com पे, और आप बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के लिए, आप सारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। ओके, और कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, नहीं तो सर अच्छी बात नहीं है ना, फायदा ले रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।